हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्कूल में कलेक्टर ने हाथों में थामी चौक, बताएं गणित के सूत्र। जिला कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा बुधवार को सोनाई मंजी गांव में बकायदा शिक्षक की भूमिका में नजर आए। वे कक्षा में बच्चों के बीच में शिक्षक के रूप में खड़े होकर हाथ में चौक थामी और बच्चों को गणित की पढ़ाई करवाई। ये नजारा देख विद्यार्थी, स्कूल के स्टाफ के सहित ग्रामीण भी दंग हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों से सवाल जवाब भी किए, बच्चों के होमवर्क की कॉपी भी चेक की तथा विद्यार्थियों से पाठ भी सुने। हुआ यूं कि पाली जिला कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा मुख्यमंत्री जय स्वावलंबन अभियान के चतुर्थ चरण के जिला स्तरीय समारोह में शिरकत करने के लिए पाली पंचायत समिति के सोनाई मांझी गांव पहुंचे। अचानक उनकी नजर पास में संचालित हो रहे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनाई मांझी पर पड़ी। वे सीधा स्कूल में प्रिंसिपल के कक्ष में गए। वहां पर प्रिंसिपल शिवपरी सोनगरा के साथ स्कूल का निरीक्षण करने लगे। इस दौरान पास में चल रही कक्षा 9 की कक्षा में घुसे तथा वहां पर बच्चों के बीच में जाकर बच्चों के बस्ते से होमवर्क की कॉपी भी चेक करने लग गए। कॉपी में बच्चों की हैंडराइटिंग की प्रशंसा भी की। करीब 20 मिनट तक कक्षा में ठहरने के बाद कलेक्टर ने प्रिंसिपल को बच्चों के लिए गणित विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लगाए जाने के लिए निर्देशित किया। सभी ने कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि काश सभी कलेक्टर इसी तरह स्कूलों का निरीक्षण करते। बाद में आयोजित MJSA के कार्यक्रम में बाकायदा उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा के कार्य की जमकर तारीफ कर तालियां बटोरी। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।